प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता के तीन भाग पढ़ लिए, जिसमें तीसरे भाग में संधारित्र की धारिता पर पराविद्युत माध्यम का प्रभाव। पहली स्थिति अपन ने पढ़ी संधारित्र की धारिता जब पराविद्युत माध्यम पूर्ण रूप से भरा हो, दूसरा संधारित्र की धारिता जब पराविद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा हो, और तीसरा संधारित्र की धारिता जो आज हमें पढ़ेंगे इस भाग में, संधारित्र की धारिता जब भिन्न भिन्न परावैद्युत माध्यम की भिन्न भिन्न मोटाई की पट्टिकाएं स्थित हो। ओके, समांतर में संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब भिन्न भिन्न पैरा वैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं भिन्न भिन्न पैरावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं स्थित हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब भिन्न भिन्न पैरावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं स्थित हो, भिन्न भिन्न पैरावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं स्थित हो। माना कि सामांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सामांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d, ये प्लस टू, ये माइनस टू और ये एक पट्टी का। माना कि सामांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a तथा उनके बीच की दूरी d। प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न पैरावैद्युत माध्यम की पट्टिकाएं स्थित हैं, जिनके पैरावैद्युतांक क्रमशः एप्सिलॉन आर वन, एप्सिलॉन आर टू, एप्सिलॉन आर एन तथा इनकी मोटाइयां क्रमशः टी वन, टी टू, टी एन और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या है डी है, और ये प्लेट क्या है भूसंपर्कित है, भूसंपर्कित है। ठीक है, इसके पश्चात भी वायु या निर्वात से रह जाता है तो वायु या निर्वात की दूरी कितनी हो जाएगी डी माइनस ब्रैकेट छोटा टी वन प्लस टी टू डेश डेश टी एन। दूरी में हवा या निर्वात उपस्थित है। माध्यम में प्रथम माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता em1, द्वितीय माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता em2 और nवें माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता emn। ओके, निर्वात या वायु में धारिता e बराबर फॉर्मूला होता है हमने पढ़ लिया कई बार सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, चूंकि सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्र क्यू बाई ए, तो ई बराबर क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट समीकरण एक। प्रथम माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई एम वन सिग्मा बाई एप्सिलॉन, सिग्मा का मान वन एप्सिलॉन वन, एप्सिलॉन वन यहाँ प्रथम माध्यम की विद्युत शीलता है, सिग्मा का मान क्यू बाई ए और एप्सिलॉन वन का मान क्या हो जाएगा एप्सिलॉन आर वन इक्वल टू एप्सिलॉन वन बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन वन इक्वल टू एप्सिलॉन आर वन इनटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर वन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण कितनी हो गई दो। ई एम टू इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन आर टू एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण तीन। और एनवे माध्यम में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EMN बराबर Q बाई A एप्सिलॉन RN एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण कितनी हुई चार। ठीक है, प्रभावी विभवांतर, प्रभावी विभवांतर V बराबर वायु क्षेत्र में विभवांतर प्लस मध्य में विभवांतर वायु में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर प्लस माध्यम में विभवांतर, ओके। और वायु में विभवांतर वी बराबर वायु में विभवांतर वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और वायु कितनी दूरी में है डी माइनस T1 प्लस T2 दिस TN, ओके। प्लस प्रथम माध्यम में EM1 दूरी क्या T1 प्लस EM2 द्वितीय माध्यम में और मोटाई T2 प्लस दिस EMN और मोटाई TN TN से मल्टीप्लाई कर दो। ये अपने पास अब आएगा EM1 का मान ये रहा, E का मान ये रहा, V इक्वल टू E की वैल्यू अपन ने पुट की Q/A एप्सिलॉन नॉट मजरा ब्रैकेट और ये आ जाएगा D छोटा ब्रैकेट T1 प्लस T2 बेस प्लस TN मजरा ब्रैकेट पर। ये तो आ गया वायु में विभवांतर, प्रथम माध्यम में विभवांतर प्लस EM1 Q/A एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट इनटू T1, दूसरे माध्यम में Q/A एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट T2 दिस और Q/A एप्सिलॉन RN एप्सिलॉन नॉट इनटू TN। या इन सब में अपन देखें तो Q/A एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है और कॉमन आ रहा है इसलिए V का जो मान होगा वो क्या होगा V इक्वल टू V इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन नॉट सभी में अपन ने कॉमन ले लिया बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट D माइनस T1 प्लस T2 दिस इज TN और ये मझला ब्रैकेट बंद प्लस यहां क्या बचेगा मझला ब्रैकेट इसका T1 बाई एप्सिलॉन R1 T2 बाई एप्सिलॉन R2 दिस इज TN बाई एप्सिलॉन R और ये बड़ा ब्रैकेट। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई अपनी 5 हो गई। विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार विद्युत धारिता की परिभाषा अनुसार बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट
डी माइनस पी वन प्लस पी टू दिस इज पी एन मतलब ब्रैकेट वन पी वन बाई एप्सिलॉन आर वन पी टू बाई एप्सिलॉन आर टू दिस इज पी एन बाई एप्सिलॉन आर एन ये था क्यू सी टू कैंसिल हो गया और क्यू सी क्यू कैंसिल हो गया तो सी बराबर ये आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे में बड़ा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट डी माइनस पी वन प्लस पी टू दिस पी एन छोटा ब्रैकेट हो गया ऊपर पी वन बाई एप्सिलॉन आर वन प्लस पी टू बाई एप्सिलॉन आर टू और लास्ट पी एन बाई एप्सिलॉन आर एन ये अपने पास में आते हैं ये मझला ब्रैकेट बंद कर ये बड़ा ब्रैकेट बंद और ये समीकरण अपनी कितनी हो गई छह यदि वायु क्षेत्र शेष नहीं रहता है यदि वायु क्षेत्र शेष नहीं रहता इसका मतलब टी वन प्लस टी टू डेश डेश टी एन का मान बीच की दूरी डी के बराबर होगा यदि वायु क्षेत्र शेष नहीं रहता है अर्थात डी बराबर टी वन प्लस टी टू सभी पट्टिकाओं की मोटाइयों का योग प्लेटों के बीच की दूरी के बराबर होगा तो ये मान डी के बराबर आ जाएगा तो डी माइनस डी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो सी बराबर अपने पास मान क्या आ गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई ये वैल्यू तो डी और ये डी डी माइनस डी जीरो तो टी वन बाई एप्सिलॉन आर वन प्लस टी टू बाई एप्सिलॉन आर टू बेस बेस प्लस टी एन बाई एप्सिलॉन आर एन ये समीकरण कितनी होगी सात ओके ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय संधारित्र गोलीय संधारित्र का टॉपिक अब अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर ये बोर्ड एग्जाम 2010 आरबीएससी 2010 और हाल फिलहाल 2020 में भी एक टॉपिक आया है क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में गोलीय संधारित्र क्या है परस्पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त परस्पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार एवं आकृति वाले दो संकेंद्री चालक गोलों से बनी युक्ति को क्या कहते हैं गोलीय संधारित्र कहते हैं अब दो गोले हैं संकेंद्री हैं इसका मतलब लगभग समान आकार दिया है तो दोनों की त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम होगा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए एग्जैक्ट समान तो केवल एक गोला ही हो सकता है इसलिए दो संकेंद्री गोले हैं तो उनकी त्रिज्याओं में अंतर बहुत कम होगा माना कि दो संकेंद्री चालक गोले A तथा B है केंद्र O इसकी त्रिज्या क्या आ गई R1 और दूसरा गोला क्या
दूसरा गोला बी और उसकी त्रिज्या क्या आर टू। ठीक है, ये चालक गोला ए, दूसरा चालक गोला बी। माना कि दो चालक गोले ए तथा बी हैं, जो सेकेंडरी हैं उनका केंद्र क्या है, ओ है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः कैपिटल आर वन कैपिटल आर टू हैं। चालक गोले ए को प्लस टू आवेश दिया जाता है, तो चालकों को दिया गया आवेश समान रूप से उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरण के कारण चालक गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश तथा बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होता है। बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्रेरित होता है, बाह्य पृष्ठ भूसंपर्कित होने के कारण उस पर उपस्थित मुक्त धनावेश भूसंपर्कित होने के कारण उस पर उपस्थित मुक्त धनावेश पृथ्वी चला जाता है और आंतरिक पृष्ठ पर क्या उपस्थित रहता है, ऋणावेश माइनस क्यू। चालक गोले बी के बाह्य पृष्ठ पर धनावेश प्लस क्यू। ठीक है, और इनकी त्रिज्याएं आर क्रमशः आर वन व आर टू है। आर टू आर वन और आर टू का जो त्रिज्याओं का जो अंतर है वो बहुत कम है। चालक गोले ए पर चालक गोले ए पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, चालक गोले ए पर स्वयं के आवेश के कारण विभव वी ए इक्वल टू के कैपिटल क्यू बाई आर, के कैपिटल क्यू बाई आर और के की वैल्यू 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर वन, ये समीकरण नंबर एक हो गया। अब चालक गोला ए है वो बी के अंदर स्थित है, चालक गोला ए बी के अंदर स्थित है और चालक गोले के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान वही होगा जो पृष्ठ पर होता है, तो पृष्ठ पर क्या होगा माइनस के क्यू बाई आर टू। तो इस बिंदु पर भी यानी चालक गोले बी के कारण चालक गोले ए के पृष्ठ पर विभव उतना ही होगा जितना ही इसके पृष्ठ पर होगा। चालक है गोले बी के कारण चालक गोले ए के परस्पर विभव, हम जानते हैं कि चालक गोला ए चालक गोले बी के अंदर स्थित है और चालक गोले बी के पृष्ठ पर जितना विभव होगा अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान उतना ही होगा, इसलिए बी बी बराबर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर टू, के का मान माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर टू और यह समीकरण अपनी कितनी होगी दो। कुल विभव V बराबर बी ए प्लस वी बी और V बराबर के वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर टू और V बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और क्यू भी कॉमन आया
1 अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू और v इक्वल टू क्यू बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन और आर वन आर टू एलसीएम हो गया, लघुत्तम हो गया। लघुत्तम आर वन आर टू होगा तो यहाँ आर टू आ गया, यहाँ आर वन आ गया और ये समीकरण अपनी कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी। ठीक है, धारिता की परिभाषा अनुसार धारिता की परिभाषा अनुसार धारिता की परिभाषा अनुसार C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V, ये समीकरण चार। Q क्या है, संधारित्र पर उपस्थित आवेश है, संधारित्र की धनात्मक प्लेट पर उपस्थित आवेश संधारित्र पर आवेश के बराबर होगा तो धनात्मक प्लेट ये होगी, आवेश Q का मान Q ही होगा, V का मान समीकरण तीन से रख सकते हैं तो समीकरण तीन व चार से समीकरण तीन व चार से C बराबर Q बट्टा V का मान Q बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू माइनस आर वन आर वन आर टू क्यू से क्यू कैंसिल C इक्वल टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर टू माइनस आर और ये समीकरण अपनी कितनी आ गई, पांच। समीकरण पांच से स्पष्ट है कि दोनों गोलों की त्रिज्याओं में अंतर जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही अधिक होता होगा, इसीलिए क्या कहा गया है कि परस्पर समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त लगभग समान आकार, लगभग समान आकार होगा तो त्रिज्याएं लगभग क्या होंगी, समान होगी, अर्थात त्रिज्याओं का अंतर बहुत कम होगा और जितना अंतर कम होगा धारिता का मान उतना ही अधिक होगा। ओके।